सर, जीरोस्टोमिया क्या होता है और ये किन पेशेंट्स में होता है? जीरोस्टोमिया एक कंडीशन है जिसके अंदर की जो पेशेंट में जो लार या सलाइवा जो बन रही है वो कम बनती है। तो ऐसी कंडीशन कई चीज़ों से रिजल्ट कर सकती है, या तो पेशेंट में अपने आप ही कम बनना शुरू हो जाए, या कुछ सलाइवरी ग्लैंड जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें कम सलाइवा का प्रोडक्शन होता है जो कि जीरोस्टोमिया या थूक की कमी को रिजल्ट करता है। या हमारे लिए ऐसी कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ बहुत पुराना हो, हाइपरटेंशन चल रही हो, बहुत पुरानी हाइपरटेंशन जिसकी मेडिकेशन चल रही हो, या सबसे ज़्यादा समस्या देखने के आई है जो कि पेशेंट कैंसर से ग्रसित है या उनकी रेडियोथेरेपी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में बिकॉज ऑफ रेडियोथेरेपी हमारा सलाइवा ग्रंथियाँ जो होती हैं, सलाइवा ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे निष्क्रिय हो जाते हैं और सलाइवा मरीज में कम बनता है, जिससे कि काफ़ी मरीज को तकलीफ होती है क्योंकि सलाइवा एक तरह से एक लुब्रिकेटिंग मीडियम है जो ओरल कैविटी में वर्क करता है, खाना चबाने, थूक निकलने, इन सब चीज़ों में हमारे त्वचा की रक्षा भी करता है और साथ में उसको मदद भी करता है कि पेशेंट खाने को निगल सके। तो इसके लिए क्या उपाय किया गया है? तो इसके लिए हम लोग या तो पेशेंट जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं वो या तो ये करते हैं कि पेशेंट हमेशा पानी, उनको बोला जाता है कि अगर आपको थूक कम बन रहा है तो पानी को आप बार बार सिप करते रहें, या तो ग्लास अपना रखें या बॉटल रखें जिससे आप वो पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि उनका मुंह गीला रहे और उनको परेशानी ना हो। या फिर ऐसा होता था कि जो है पहले ज़माने में हम लोग आर्टिफिशियल सलाइवा जो मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज़ करते हैं और पेशेंट वो सलाइवा को कोट कर सकता है, अपने माउथ में लगा सकता है, बट वो असर बहुत थोड़ी देर तक ही करते थे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि उसमें इसका एक सब्स्टिट्यूट सोचने की कोशिश किया है जो कि हम लोग ऐसे मरीजों में जो कैंसर या रेडियोथेरेपी या जो किसी का भी किसी कारण से सलाइवा का फ्लो कम हो गया उसको किस तरह से सही किया जाए। क्या इसके लिए कोई इम्प्लांट आता है या फिर कुछ इस तरह के कृत्रिम उपाय हैं इसके लिए? नहीं, इसमें कोई इम्प्लांट ऐसा नहीं आता है जो कि मरीज के शरीर में लगाया जाता है। इसमें हम लोग एक उपकरण बनाते हैं जो कि हम लोग हर मरीज के लिए एक स्पेशलाइज बनाते हैं, जैसे कि पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी उसकी मुख्य स्थिति है, अगर उसमें से कोई हड्डी निकली हुई है जैसे कि कैंसर में अगर निकली हुई है तो हम लोग साथ साथ उस डिफेक्ट को भी सही करते हैं और उसी डिफेक्ट को एज ए उपकरण या ग्रंथि की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सलाइवा, आर्टिफिशियल सलाइवा को फिल किया जाता है और वो सलाइवा फिर पेशेंट को जैसे कि खाना निकलने में, थूक निकलने में या नॉर्मल बोलने चालने में वहाँ से उपयोग कर सकता है मरीज उस सलाइवा का। इस उपकरण को क्या कहते हैं और ये यहाँ कहाँ पर कितने रुपए में मतलब इम्प्लांट हो सकता है? इसमें जो है इसको उपकरण को हम लोग आर्टिफिशियल सलाइवा रिजर्वायर बोलते हैं। तो सलाइवा रिजर्वायर जो होता है वो एक 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 रिजर्वायर की तरह या एक जगह एक कोश की तरह काम करता है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल सलाइवा को फिल कर देते हैं और फिर वो मरीज में जब पेशेंट सॉलो करता है या जिसको कहते हैं थूक निकलता है या बात करता है तो वो जब द्वीप का दबाव उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ से सलाइवा की एक या दो बूंद बाहर निकल आती हैं और वो हम लोग बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव यानी कि उसमें कोई चीर फाड़ टाँका कुछ नहीं लगाना है। जो भी हम लोग प्रोस्थेसिस बनाते हैं वो मरीज में, वो स्वयं मरीज उसको निकाल सकता है, लगा सकता है और उसको अपने आप से सफाई, उसकी साफ सफाई मेंटेन कर सकता है। इसको लगाने में एक प्रति मरीज कितना रुपए का खर्च आ सकता है? उसमें एक अगर हम लोग देखेंगे एक मरीज में उसका कितना खर्चा है तो उसमें क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्क कर ही रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर मरीज बीपीएल है या कैंसर कार्ड बना हुआ है तो उसके लिए तो फ्री है सुविधा, बट अगर नॉर्मल पेशेंट अगर जिसमें कि सलाइवा की समस्या कम बन रही है या उसमें जीरोस्टोमिया हो रहा है तो ऐसे मरीज में करीब 1,500 से 2,000 रुपये मैक्सिमम का खर्चा आता है प्रति मरीज इसको बनाने में। इसके प्रति कितनी जागरूकता है अभी तक? ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो है इसमें जागरूकता जो है मरीजों को कि ये हमारे यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, इस सुविधा का वो बहुत ही कम खर्च में उपयोग कर सकते हैं, ये अभी मरीजों पे बहुत ज़्यादा इसके लिए अवेयर नहीं है या वो लोग जानते नहीं हैं। तो हम लोग जानकारी के अभाव की वजह से बहुत ज़्यादा मरीजों को अभी ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। जो मरीज़ हम लोग को रेफरेंस से आते हैं या जिस मरीज में वाकई ऐसी समस्या जो कि बहुत जगह से निराश हो चुके हैं उन लोगों के लिए हम लोग ये अभी उपकरण का निर्माण कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि और ये अवेयरनेस फैले तो हम लोग ऐसे मरीजों को बहुत ही कम कीमत पे उपचार का यहाँ सुविधा प्रदान कर सकें।